खेल के मैदान में देखें तो हर देश ने अलग अलग स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाया है। अमेरिका के पास दुनिया के फास्टेस्ट स्विमर्स होते हैं, चाइना के पास सबसे बढ़िया जिमनास्ट, कीनिया लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए मशहूर है तो जमैका स्प्रिंटर्स के लिए, और इंडिया मशहूर है तो क्रिकेट जगत में वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलर्स के लिए। नमस्कार, आदाब, मैं नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं क्रिकेट जगत की कुछ सुनी अनसुनी कहानियां लेकर। स्वागत है आप सभी का मिड विकेट टेल्स में। What a day for India, what a day for international cricket. That is a magnificent cover drive. India race into the pavilion with the Prudential Cup there. Sachin Tendulkar, first man on the planet to reach 200. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. दोस्तों देखा जाए तो सदियों से ही हम लोग दिली और शारीरिक तौर से आर्टिस्टिक और दार्शनिक प्रवृत्ति के रहे हैं। हमारी संस्कृति में शिक्षा और विद्या हासिल करने को बड़ी अहमियत दी गई है। भारतवासी वैज्ञानिक होते हैं, लेखक होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं। हमारी शिल्प कला, कारीगरी, बुनकारी दुनिया भर में मानी जाती है। ये सभी ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें दिमाग की ज्यादा और ताकत की कम जरूरत होती है, उंगलियों और कलाइयों की ज्यादा, बाहों की कम। स्पिन गेंदबाजी भी एक कला है जिसमें कलाकार यानी बॉलर सालों साल अभ्यास करता है। उंगलियों और कलाइयों का सूक्ष्म प्रयोग करते हुए लाइन, लेंथ, बाउंस और टर्न से बैट्समैन को डराता नहीं, चकमा देता है। आज हम बात करेंगे कुछ होनहार भारतीय स्पिनर्स की जिन्होंने दुनिया भर के बल्लेबाजों को क्रिकेट के मैदान में अपनी कलाकारी से मात दी। हमारे देश में स्पिन बॉलिंग की शुरुआत के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में। उस समय छुआछूत का बड़ा प्रचलन था। पालवंकर बालू एक अछूत के घर पैदा हुए और बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में उभर कर आए। अब ऐसा तो कोई रहा नहीं जिसने बालू को बॉलिंग करते हुए देखा हो, लेकिन लिखा गया है कि वो पूरे भारतवर्ष में सबसे बढ़िया गेंदबाज थे और काफी अंतर से सबसे बढ़िया गेंदबाज थे। क्रिकेट खिलाड़ी ज्यादातर ऊंची जाति के थे उस समय और उनके लिए ये एक दुविधा सी बन गई, लेकिन बालू की बॉलिंग इतनी शानदार थी कि उन्हें नजरअंदाज किया जाना असंभव हो गया। नतीजा ये हुआ कि जातिवाद के बंधन को तोड़कर बालू को हिंदूज की टीम में शामिल किया गया। यही नहीं, राजा महाराजाओं ने भी उन्हें अपनी टीम में जगह दी। बालू ने पटियाला की महाराजा की टीम के लिए 1911 में इंग्लैंड में 114 विकेट लिए 18 की औसत से। अंग्रेज भी इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रभावित हुए थे। पालवंकर बालू शायद भारत के सबसे पहले वर्ल्ड क्लास स्पिनर थे। उन दिनों भारत में क्रिकेट कॉयर मैटिंग पिचों पर खेला जाता था। स्पिनर्स को बहुत कम मदद मिलती थी क्योंकि स्पिनर्स को सफलता के लिए विकेट्स का खुरदरा, पुराना और जरा सा धूल भरा होना जरूरी होता है। जब भारत ने 1932 में टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया, उस वक्त हमारे पास अच्छे स्पिनर्स थे ही नहीं, इसलिए जो 18 खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए चुने गए उनमें एक भी स्पिनर नहीं था। इस दौरान जामनगर एक विश्व स्तर के स्पिनर उभर के सामने आ रहे थे, मूलवंत राय हिम्मतलाल मांकड़ या विनू मांकड़। जाम साहब यूज्ड टू ब्रिंग इज 11 टू प्ले इन बॉम्बे एंड विनू मांकड़ केम एज ए स्कूल बॉय, ही वर 16 और 17
and he made a good impression playing for Jamnagar against various gymkhanas in Bombay cricket. Maharaja ne unko promote kiya. Lekin hota tha kya ki wahan cricket bahut kam thi. Bahut kam thi. Jaisa Bollywood aur cricket ke liye Bombay hai, वैसे सालों से लोग कहां से भी यही चीज के लिए बंबई आते थे. वैसे विनू मंकड़ भी आ गए. नवानगर की टीम के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए मंकड़ क्रिकेट प्रेमियों की नजर में आ चुके थे. साथ साथ बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर और उसके बाद बॉम्बे पेंटेंगुलर टूर्नामेंट में भी हिंदूज की टीम के लिए खेले. वो टाइप के पिचेस एकदम बैट्समैन पैराडाइज होते थे और बैटिंग स्टैंडर्ड भी इंडिया में बहुत हाई था. लेकिन ऐसे इस पे वो स्पिन टर्न जो वेरिएशंस यूज करना वो जो था, ही वाज अ वेरी वेरी श्रूड बॉलर. ही वाज अ थिंकिंग बॉलर. से काफी बॉलर्स होते हैं मैकेनिकली जो कुछ स्किल है इसे डालते हैं, बट विनू मंकड वाज वन बॉलर हु एवरी बॉल ही वुड थिंक ऑफ व्हाट ही इज गोइंग टू डू. विनू मंकड्स बॉलिंग स्टाइल अप्रोच टू द विकेट डिलीवरी was as simple and I would call it poetic. यहाँ से ऐसा निकाल के बाहर आता है, beautifully. Some would be undercut kind of thing, floaters. So batsman को flight में कैसे deceive करना, that was his skill. दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और एक अरसे के बाद अंतर्राष्ट्रीय खेल का सिलसिला वापस शुरू हुआ. Mankad was an automatic choice for the Indian team's tour of England in 1946. It was befitting that he should make his debut in official test cricket at Lord's. जब सन 1946 में भारत इंग्लैंड के दौरे पर निकली तो मंकड अब 29 साल के थे. एक सधे हुए अनुभवी गेंदबाज के रूप में जाने जाते थे. इंग्लैंड का दौरा 4 महीने से ऊपर चला और हमने कुल 29 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले. मंकड भारत के लिए बहुमूल्य साबित हुए. उन्होंने 129 विकेट लिए और 1000 के ऊपर रन्स बनाए. ये दोहरा खिताब हासिल करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने. और यही नहीं, इस दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा कैचेस भी पकड़े. He was the best fielder of his own bowling. क्योंकि he knew exactly क्या करने वाला हूँ मैं, कौन सा बॉल डालने वाला हूँ, और मैं यदि वो बॉल डालूंगा तो बैट्समैन कहाँ मार सकते, उसके ऑप्शन क्या है. 1947 भारत अब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो चुका था और स्वतंत्र भारत की क्रिकेट टीम का पहला विदेश दौरा था ऑस्ट्रेलिया का 1947-48 में. और कप्तानी की डोर सौंपी गई लाला अमरनाथ को और विनू मंकड अपने कप्तान के लिए सबसे अहम खिलाड़ी बन गए. उनका तो टीम इनविंसिबल था. ब्रैडमैन तो हमेशा फॉर्म में, हारने का तो सवाल ही नहीं. हमारी बॉलिंग भी उतनी पेनिट्रेटिंग नहीं थी. तो पहले से लाला अमरनाथ ने सोचा कि देखो विनू तेरे को एक एंड पकड़ना पड़ेगा, दूसरा एंड से हम देखेंगे. मंकड को दिन भर बॉलिंग करना पड़ता था, वो भी सामने कौन थे, ब्रैडमैन, मिलर, मॉरिस, नील हार्वी, इनके खिलाफ मंकड दिन भर बॉलिंग करते थे. और उसके बाद जब पूरा टीम थक जाते थे फिर उसको बैटिंग करने आना पड़ता था. लाला अमरनाथ कभी किसी की प्रशंसा नहीं करते, हमेशा वो क्रिटिकल रहते थे और बोले विनू नहीं होता था तो ऑस्ट्रेलिया कभी भी 1000 रन करती थी. मंकड ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान इंडिया के मेन बॉलर होने की भूमिका बखूबी निभाई. जब भी टीम को उनकी जरूरत होती थी वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते थे और हर चुनौती का दिलेरी से सामना करते थे. विनू मंकड वॉज अ स्टार परफॉर्मर. इंग्लैंड की टीम जब आई नाजिल हार्ड्स टीम, It was India's first victory in a test match and Mankad with his superb bowling was the chief architect of India's victory. Mankad ne 105 run dekar 12 wicket liye. Teen match ki is shrankhla mein unhone 34 wicket dekar ek naya record banaya jo kafi saal tak qayam raha. मंकड ने 25 साल से ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला और उनके करियर के आखिरी पड़ाव में ही जाके भारत को आखिरकार एक और वर्ल्ड क्लास स्पिनर मिला. सुभाष गुप्ते इसी समय अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे. ये लेग स्पिनर थे जो उंगलियों से नहीं बल्कि
कलाई से बॉल डाल के स्पिन कराते थे और ऐसा लगा कि गुप्ते 1960 दशक में हमारे अगले विश्व विख्यात स्पिनर होने वाले हैं। सुभाष वाज इन माय आईज द ग्रेटेस्ट लेग स्पिन बॉलर दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। सुभाष गुप्ते बड़े अच्छे खुश मिजाज आदमी थे, बड़े जोली थे, ग्रेट बॉलर, ग्रेट राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर। जैसे अभी ये शेन वॉन वगैरह उनसे भी बेहतर थे, इतनी ऊंची उनकी कला कौशल थी गेंद के आर्ट। सुभाष की खासियत दो तीन थी। फर्स्टली वाज हिज कमांड ओवर द लेंथ एंड फ्लाइट ऑफ द बॉल, कंबाइंड विद दैट ही कुड टर्न द बॉल शॉर्ट रन एंड यू नो इजी एक्शन, नो स्ट्रेस नो स्ट्रेन। आजकल ज्यादातर स्पिनर्स जब मैच में बॉलिंग करने आते हैं तो कप्तान पहले से ही दो तीन फील्डर्स को बाउंड्री पे रख देते हैं ताकि रन्स बच जाएं। लेकिन सुभाष गुप्ते ऐसे नहीं थे, वो एकदम सटीक और नपीतुली गेंदबाजी करते थे जिसकी वजह से कप्तान आक्रामक फील्ड जमा सकते थे, फील्डर को कैच पकड़ने के लिए पास रख सकते थे। 1953 का वेस्ट इंडीज का टूर पे उनके 3 W's विक्स वॉरेल वॉलकॉट इतने अटैकिंग स्मॉल ग्राउंड्स, लेकिन सुभाष गुप्ते उनको सिले मिड ऑफ रख के बॉलिंग करते थे। '58 की श्रृंखला का दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में खेला गया। गुप्ते ने वेस्ट इंडीज की पहली पारी पूरी तरह से तहस नहस कर डाली, 9 विकेट लिए केवल 102 रन देकर। ये एक भारतीय रिकॉर्ड हुआ। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि गुप्ते काफी अनलकी रहे। 10 विकेट लेने वाले वो अनिल कुंबले से 40 साल पहले भारत के पहले बॉलर हो सकते थे अगर विकेट कीपर नरेंद्र तमाने ने लांस गिब्स का एक आसान सा कैच ना छोड़ा होता। नरेंद्र तमाने वाज अ ब्रिलियंट विकेट कीपर, ब्रिलियंट। ही वाज नॉट फ्रैमेंट लाइक डाइविंग हियर एंड बट वो हमेशा पोजीशन में रहते थे। बाद में दोनों ने क्रिकेट छोड़ने के बाद, ए नरेंद्र तू को कैच पकड़ा नहीं यार, नहीं तो मेरे को 10 विकेट मिल रहा था। दुर्भाग्य की बात है न केवल सुभाष गुप्ते के लिए बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए कि गुप्ते का करियर 1961 में अचानक समाप्त हो गया। बात उस वक्त की है जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आई हुई थी, मैदान के बाहर एक विवाद उठ खड़ा हुआ। जब नरी कॉन्ट्रैक्टर कप्तान थे और एक होटल का रिसेप्शन ने बोला कि दो एक प्लेयर तुम्हारा मुझे फोन करके डांस के लिए बुलाता है। कृपाल वाज शेयरिंग हिज रूम एंड ट्राइड टू चैट अप द टेलीफोन ऑपरेटर एंड सुभाष वाज नॉट इन द रूम। Kripal chatted up, but to her the phone call came from the number, room number. तब बारिश हो रहा था तो नरी कॉन्ट्रैक्टर के रूम में 6 प्लेयर थे, उसमें सुभाष गुप्ते भी थे, कार्ड खेल रहे थे। And when the inquiry started, Kripal flatly denied and put it on to Subhash. नरी कॉन्ट्रैक्टर को इंक्वायरी कमेटी ने बुलाया तो बोला वो करेगा कैसा, जो टाइम है वो टाइम तो मेरा रूम में था। And the whole thing was a farce and he was accused etc. And he was a married man by then. जो वर्ल्ड ओवर जो सबने बोला ये इतना बढ़िया बोलर हमने देखा नहीं, उसको हमारे ही देश के लोगों ने उसका करियर खत्म कर दिया। अपने टीममेट के इस बर्ताव और धोखे ने गुप्ते को बहुत दुख पहुंचाया। वो खेल के प्रति अपनी रुचि बरकरार नहीं रख पाए, यहां तक कि वो भारत में भी अब नहीं रहना चाहते थे। उनकी शादी एक वेस्ट इंडियन से पहले ही हो चुकी थी तो उन्होंने वेस्ट इंडीज चले जाने का फैसला कर लिया और भारत ने एक बेहतरीन स्पिनर खो दिया। सुभाष गुप्ते की जगह टीम में ली एक स्टूडियस से युवा खिलाड़ी एरापली प्रसन्ना ने। प्रसन्ना उन 4 प्रतिष्ठित स्पिनर्स में से पहले थे जो कि एक साथ भारत के लिए खेले और जिनकी वजह से हमारी टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों को मुकाबला देने लगी। 1960 का दशक मैटिंग से चल के अनकवर्ड विकेट्स के बाद अब पूरे विश्व में क्रिकेट कवर्ड पिचेस पर खेला जा रहा था। भारत देश अब अपने यौवन में था, क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बना रहा था। हमने ये स्वीकार कर लिया था कि हालांकि हमने अपनी क्रिकेट अंग्रेजों से सीखी
अब हम उनके जैसे क्रिकेट नहीं खेल सकते। हमारा मौसम अलग था, शारीरिक रूप से हम अलग थे और मैदानों की मिट्टी भी अलग थी। हमारे पास तो वैसे भी कोई खास तेज गेंदबाज थे भी नहीं। क्या थे? स्पिनर्स। और ये स्पिनर्स ही हमारे क्रिकेट की पहचान बने। अगले 50 सालों में हमारे पास एक के बाद एक विश्व विख्यात स्पिनर्स आए। इस सिलसिले की शुरुआत 1960 के दशक में एक जादुई क्वार्टेट से हुई। एरापल्ली प्रसन्ना इस क्वार्टेट के सबसे पहले सदस्य थे। ऐसी कमाल की राइट आर्म ऑफ स्पिन करते थे कि बैट्समैन बीट होके हवा में ही बल्ला घुमाते रह जाते। उछाल के मास्टर थे वो। गेंद की उछाल बल्लेबाजों को ऐसे उकसाती कि वो उनके जाल में फंस जाते और अपना विकेट गवा बैठते। उनके बॉल में इतना टर्न था, इतना स्पिन था, इतना डिविएशन था, इतना डिसेप्शन था कि वो बॉल आती थी और एकदम आप समझते हैं इधर आ रही है और दोनों आंखों के साथ आप एकदम आप जब सामने जाते थे देखते थे कि दो फीट पहले बॉल गिर रही है। एंड इट्स प्रसन्ना अगेन टू बॉक्स एंड हिज लेग बिफोर 8 for 138। एरापल्ली प्रसन्ना पहले इंग्लैंड के विरुद्ध 1961-62 में एक ऐतिहासिक श्रृंखला में खेले और फिर वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए चुने गए। परंतु एक दो मामूली प्रदर्शनों के बाद प्रसन्ना ने पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री पूरी की और उसके बाद ही टीम में वापस लौटे। आजकल पैसा है क्रिकेट में, 30-40 साल पहले पैसा नहीं था। क्रिकेट वॉज अ स्पोर्ट, हॉबी थी, लेकिन घर चलाने का और किचन चलाने का पैसा तो चाहिए। सब लोग पढ़ाई करते थे, सब लोग नौकरी करते थे। साउथ में तो है ही कल्चर वैसा इंजीनियरिंग का। प्रसन्ना इंजीनियर, फिर बाद में श्रीकांत, श्रीनाथ। प्रसन्ना के मैसूर टीम के सह खिलाड़ी भगवत चंद्रशेखर हमारी स्पिन क्वार्टेट के दूसरे सदस्य बने। चंद्रा ने अपना पहला मैच 1964 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। चंद्रा के लिए क्रिकेट खेलना, बल्कि खेल की चरम सीमा तक पहुंचना अपने आप में एक अचंभे की बात थी, क्योंकि बचपन में ही पोलियो की वजह से उनका दायां हाथ काफी हद तक अंडर डेवलप्ड था। Nobody's ever seen him without a shirt. ये एक the right arm, just a, कोई forearm नहीं, कोई biceps नहीं, कुछ नहीं, just a bone. आपका एक हाथ पोलियो की वजह से खराब हो गया है, तो आप आंखें उठा के ये उम्मीद ही नहीं करेंगे कि आप क्रिकेट खेल सकते हैं किसी भी लेवल। तो आप सोचियो, इन्होंने क्रिकेट ही ना खेली, उन्होंने एक बिल्कुल अनोखा स्टाइल ईजाद किया। चंद्रशेखर का जो रनअप था, बाउंसिंग रनअप था, ऐसा नॉर्मल स्पिन बॉलर जैसा रनअप नहीं था, ऐसा ऐसा करके गुगली होती थी, लेग ब्रेक होती थी, तेज होती थी और उनका गेंद आवाज करता हुआ आता था। हवा में इतनी ज्यादा रोटेशंस थी कि वो सीम के कारण वो करके बॉल आता था। मैं इनको तो देखा करता था ना मिड ऑन मिड ऑफ से, सो आई यूज्ड टू बी वेरी क्लोज ऑब्जर्वर ऑफ देयर क्राफ्ट। थ्रिलिंग, थ्रिलिंग इज अ वर्ड। Chandra to Gibbs, and he's out, easily caught by Solkar at short leg. Bishan Singh Bedi हमारे स्पिन क्वार्टेट के एक और सदस्य थे और चारों में से एकमात्र लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। और क्या स्पिन करते थे, वाह, प्योर परफेक्शन। मैं तो कहूंगा कि एक स्विस वॉच की तरह प्रिसिशन और बढ़िया एक्शन की अनोखी मिसाल। बेदी का बचपन अमृतसर में गुजरा। कहते हैं चैंपियन तो बचपन में ही दिख जाता है। बेदी अपने मोहल्ले में कंचों के चैंपियन हुआ करते थे। I was never a good athlete, but I was very flexible. कंचे खेलने से क्या आपकी जो कंसंट्रेशन, यू नो, योर फोकस ऑन अ स्मॉलर टारगेट, माइट हैव हेल्प्ड। जुनून था कि बस बॉल पकड़ लिया और दिन में 7-8 घंटे बॉल करते ही रहना, करते ही रहना, और कुछ करने को था नहीं।
There's nothing else to do. ढाई तीन घंटे सुबह बॉलिंग करो, फिर शाम को साढ़े चार घंटे बॉल पकड़ के छोड़ो नहीं। वो लगभग हर बॉल को टॉसअप करते थे और उनके बारे में ये मशहूर है कि जब कोई बैट्समैन उन्हें अपने सिर के ऊपर से छक्के के लिए मारता था वो बाकायदा ताली बजाते थे। बिशन बड़े एक रंगीन क्रिकेटर रहे हमेशा। एक तो उनकी जो स्किल थी वो बेहतरीन थी, तो उसकी वजह से जो उनको सम्मान मिला वो तो मिलना ही था उनको। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स टू हैव प्लेड द गेम। लेकिन उनमें सिर्फ बॉलिंग ही उनकी खास बात नहीं थी, उनकी और भी ज़्यादा खास बात थी। उनका बहुत बड़ा दिल है, बहुत दिलदार हैं और बहुत डायरेक्ट अप्रोच है उनकी, नॉट जस्ट टूवर्ड्स क्रिकेट, टूवर्ड्स एवरीथिंग। उससे ज़्यादा लार्जर देन लाइफ कॉन्फिडेंट मैन और अपने आप पे यकीन, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो प्रिंसिपल्स बिठाए इन एन इम्प्रेशनेबल एज मेरी लाइफ में, मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ बिशन सिंह बेदी को। क्योंकि मुझे याद है यार, एक बार हम मैं सिली मिड ऑफ पे खड़ा और राकेश शुक्ला शॉर्ट लेग पे, और एक बॉल हुआ, दो आवाज़ें आई, राकेश शुक्ला ने कैच पकड़ा और हमने चिल्ला के अपील करी, हालांकि मेरे मन में संदेह था कि शायद आउट नहीं है, अंपायर ने आउट दे दिया। तो उसी वक्त उसने विड्रॉ कर दी अपील, नॉट आउट, ये आउट नहीं है। और हमको वहाँ पे सबके सामने ऐसी झाड़ लगाई ऑन द ग्राउंड, यार ऐसे क्रिकेट खेलना है तो घर जाओ, बड़े नहीं बन पाओगे, सबके सामने रोना आ गया हमारा। एज अ क्रिकेटर ही वॉज अ ट्रू क्रिकेटर, कि खेल अच्छा हो ना हो लेकिन खेल को अप्रिशिएट करना, जो जेंटलमैनली कॉन्डक्ट दिखाना चाहिए क्रिकेट के मैदान पर, और मैं तो कहता हूँ सभी खेल के मैदान पर, वो बिशन सिंह बेदी ने जरूर दिखाया। बेदी अटैक्स जूलियन एंड इज आउट, कॉट बाय विश्वनाथ एट मिड ऑफ फॉर 19, वेस्ट इंडीज 212 फॉर 6। बेदी आगे चल के भारत के कप्तान भी बने, क्वार्टेट में से कप्तान बनने वाले एक ये थे और दूसरे श्रीनिवास वेंकट राघवन, ये भी दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर थे और चारों में से सबसे अच्छे बैट्समैन और फील्डर। इन चारों स्पिनर्स का योगदान हमारे क्रिकेट के इतिहास में अद्वितीय रहा और इनकी बदौलत हम विश्व क्रिकेट में अपना सिक्का जमाने लगे। कहते हैं कि बल्लेबाज मैच बचाते हैं और गेंदबाज मैच जिताते हैं, और इंडिया को मैच जिताने वाले वो चार विश्व स्तरीय स्पिन बॉलर्स मिल चुके थे, एरपाली प्रसन्ना, भगवत चंद्रशेखर, बिशन सिंह बेदी और श्रीनिवास वेंकट राघवन। लेकिन अब एक अनोखी उलझन का सामना करना पड़ा हमारे क्रिकेट कप्तानों को। 11 खिलाड़ियों में 3 स्पिनर्स को ही शामिल किया जा सकता था। ऑलराउंडर सलीम दुर्रानी, एकनाथ सोलकर और रुसी सूरती भी उसी दौरान खेल रहे थे और वो भी स्पिन डाल सकते थे। टाइगर पटौडी और उनके बाद अजीत वाडेकर के लिए हमेशा ये तय करना मुश्किल हो जाता था कि चार बढ़िया स्पिनर्स में से किन 3 का चयन करें और किसको बाहर बिठाएं। 1964-65 में टाइगर पटौडी की कप्तानी के दौरान हमने शक्तिशाली ऑस्ट्रेलियन टीम को बॉम्बे में करारी शिकस्त दी थी और इसके कुछ समय बाद हमने न्यूजीलैंड को हराया था। इन दोनों में मुख्य भूमिका थी चंद्रा और वेंकट की। 1968 में हमें विदेशी जमीन पर पहली बार सफलता मिली जब हमने न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच जीते और 3-1 से श्रृंखला अपने नाम की। इस बार जीत के नायक थे प्रसन्ना और बेदी। बेदी, प्रसन्ना, चंद्रा एंड वेंकट, यू नो, इन द डेज दैट आई वाज ग्रोइंग अप, दे सर्टेनली हेल्ड द कीज टू इंडियाज़ फॉर्च्यून्स एज़ फार एज़ टेकिंग विकेट्स वर कंसर्न। 1971 में वाडेकर कैप्टन थे और वेस्ट इंडीज के दौरे में चंद्रा विवादास्पद रूप से टीम में नहीं थे। इसके फौरन बाद हुए इंग्लैंड के दौरे में उनको जगह देने के लिए प्रसन्ना को बाहर बैठना पड़ा। भारत ने दोनों श्रृंखलाओं में ऐतिहासिक रूप से जीत दर्ज की। The capital greets India's cricket heroes on their return after scoring India's first ever rubber victory in England. चारों में से कभी कोई 3 खेलते थे तो कभी कोई और 3, लेकिन सामूहिक रूप से हमारी बॉलिंग अटैक इस पूरे अंतराल में हावी रही। 71 के बाद जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी तो 72 में
चंद्रशेखर ने 35 विकेट लिए थे, बेदी प्रसन्ना ने भी काफी विकेट लिए और इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था 2-1. वी वर ऑल कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, वी वर सो प्राउड ऑफ ईच अदर. आई प्रॉमिस यू वी वेरी प्राउड. अगर सपोजिंग एर्नापल्ली ने 5 विकेट लिए तो ये नहीं कि कोई और सेल कर रहा है, या चंद्रा ने 6 विकेट लिए, तो वी आर ऑल कॉम्प्लीमेंटिंग एंड फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑनेस्टली. Roberts faces Bedi and he's out LBW for 0. Prasanna, Bedi, Chandra aur Venkat ne keval gharelu conditions mein hi nahi balki overseas mein bhi lagatar acha pradarshan dikhaya. Vibhinn paristhitiyon mein ek na ek samne aata tha aur maharat hasil karta tha. Kalicharan sweeps, gets an outer edge and he's brilliantly held by Vishwanath at slip. Here's Bedi to Murray. And he's out LBW for 13. Venkat to Lloyd. And Abid snaps him up at slip. Eden Gardens, Calcutta is the venue of the third test match. And India go into the match after two crushing defeats and their morale at the lowest ebb. हम लोग टेस्ट मैच कलकत्ता की जो मेरी पहली फर्स्ट टेस्ट मैच थी पहली टेस्ट मैच उस वक्त हम लोग हारने वाले थे 180 कुछ बनाने थे लास्ट इनिंग में. And the day ends with the score at 40-1. Prasanna aur Vishwanath room partner the. 12 baje ke baad bell baja. Prasanna bola 12 baje ke baad bhai kaun kar raha hai? To Tiger Patwardi bahar khada. Bolta hai kal subah tu bowling karna. Aur dusra baju se Vishan Bedi. Kyunki ye test match gayi. Dusra din subah जब टीम जा रही थी ग्राउंड पे तो प्रसन्न थोड़ा ऐसा से किया तो बोला रुक, चंद्रा को बॉल दिया. कल उसको 12 बजे उठाया, मैंने को बोला तू बॉलिंग कर, विशन बॉलिंग कर, चंद्रा कैसे से आ गए. चंद्रशेखर पे हमारा था भरोसा कि ये खेल ही नहीं सकेंगे, चंद्रशेखर खत्म कर देगा. अब चंद्रशेखर ने इतनी खराब गेंदबाजी की उस दिन कि बहुत रन दिए उन्होंने. ग्रेनेज डज नॉट स्पेयर एनीथिंग शॉर्ट. And Chandra learns this quickly enough when he is smacked for a 6. Chandra ne pehle over mein 10-12 run de diye. Wahan se Bishan Singh bhi diya. Usne ko 2-3 run diye pakad kar tight dala bowling. Wapi Chandra aaya. Wapi chor ko 12-14 run de diye. Do over mein to 20-25 ho gaya. Karna hai to abhi unko 70-80. Fir unko band karke ek side se Prasanna, ek side se Bishan Singh Bedi. Aaram se chal raha tha Kalicharan, Clive Lloyd, Vivian Richards. Richards finds his touch. And Lloyd bats as though he's continuing from Bangalore. अब ये चलते रहा, death है, वो certain था. कब आएगा इतना ही था. 60 रन कुछ बाकी थे और पटौड़ी एक ओवर के लिए अंदर चले गए. ऐसा होता है कि कभी विकेट नहीं गिरती थी तो क्राउड वो स्टार्ट हुए चंद्रा जस्ट टू रिमाइंड कि कैप्टन को उसको ले आओ बॉलिंग को. पटौड़ी अंदर गए, नेक्स्ट ओवर में वापस आ गए. इमीडिएटली उन्हें चंद्रा को लाए वापस, चंद्रशेखर को. हम बोले कि क्या कर रहे हैं, इतना खराब गेंदबाजी, शॉर्ट गेंदबाज, फुल टॉस, कुछ नहीं था, रिदम नहीं आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था. बोला इनको मैच जल्दी खत्म कर देना है और घर जाना है. चंद्रा टू जूलियन एंड ही इज आउट LBW फॉर 7. चंद्रा ने फर्स्ट ओवर में 2 विकेट निकाली, दूसरे ओवर में 1 निकाली, तीसरे ओवर में 1 निकाली और मैच खत्म कर दी उसने. हियर चंद्रा टू होल्डर एंड ही इज बोल्ड फॉर 2. Chandra claims Roberts LBW and India win the test by 85 runs. What a great fight back after being badly mauled at Bangalore and Delhi. हर कप्तान गो टू अ बॉलर बोलता है तो चंद्रा विकेट नहीं पकड़ पड़ती है चंद्रा. जो हमारे 4 स्पिनर थे जो लेट 60 से शुरू हो गए थे उनकी वजह से भी इंडिया में क्रिकेट बदली. और इंडिया में ही नहीं बदली लेकिन इंडियन क्रिकेट का जो इम्प्रेशन था बाहर दूसरे देशों में वो बदला कि इंडियन टीम अब तगड़ी हो गई है, अब जीतने लायक हो गई है और उनको आसानी से नहीं लिया जा सकता. चारों स्पिनर्स को रोटेट करने का सिलसिला 1970 के दशक के अंत तक चला
जब एक एक करके ये चारों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहकर रिटायर होने लगे। इनके बाद जो भी स्पिनर आता, सबके मन में यही सवाल उठता कि क्या ये अगला बेदी है, अगला प्रसन्ना, क्या ये अगला चंद्रा। 1990 में एक लंबे ऐनक पहनने वाले खिलाड़ी का चयन किया गया। ये जनाब भी बैंगलोर से ही थे और चंद्रा की तरह उछाल वाला रनअप लेके गेंदबाजी करते थे और अंदर आने वाली तेज गेंद करते थे। इन्हें प्यार से लोग जंबो कहते थे और आने वाले समय में ये भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले थे। ये थे अनिल कुंबले। जब 1990 में अनिल कुंबले का टीम में चयन हुआ तो बहुत से लोग इससे सहमत नहीं थे। अनिल कुंबले सामान्य स्पिनर्स से बिल्कुल अलग थे। उनका कद लंबा था, वो बॉल को ज्यादा टर्न नहीं कराते थे और एक्यूरेसी और गति में तब्दीली पर ज्यादा ध्यान देते थे। क्रिकेट के मैदान में उनकी शुरुआत बहुत शानदार नहीं हुई और उनकी मानसिक परिपक्वता के बारे में भी सवाल उठने लगे। कुंबले को जब 1990 का टीम में लिया तब बहुत क्रिटिसिज्म हो गया कि ये कुंबले क्या बॉलर है, सीधा सीधा डालता है। आई रिमेम्बर टाइगर ने एक दफा एक कमेंट मारा था, ये कभी मैच विनर नहीं हो सकता, बस इट हार्डली स्पिन द बॉल। एक टेस्ट मैच में ऐसा हुआ, वो टी के पहले 12th मैन करके फील्डिंग को आया, वहां डीप फाइनल पे खड़ा किया कपिल ने। पहला मैच था इसका, आई वाज द क्रिकेट मैनेजर, दिस इज द ओल्ड ट्रैफर्ड। कपिल ने बाउंसर मारा लैम को, एलन लैम को, उसने हुक किया तो सीधा किया। अभी हो रहा था क्या, कपिल को एक एक विकेट चाहिए थी, वो रिकॉर्ड ब्रेक करने का था और इसने वो कैच ड्रॉप कर दिया, तो इसने ग्राउंड पे डांट मार दी उसको। अब पहला मैच खेल रहे, कपिल दा शायद 100 से ऊपर कर चुका था मैच। अरे ड्रेसिंग रूम में आया, मैंने देखा ये रो रहा है। And you see, this might have strengthened him. रोना जरूरी था उस वक्त। अब ये रोना इसके लिए उस वक्त जरूरी इसलिए था कि what emerged later. 1992 में अनिल कुंबले 2 साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके थे और इस स्तर पे कदम जमा चुके थे। मानसिक तौर से वो पूरी तरह से तैयार थे। कठिन परिश्रम और अभ्यास की बदौलत उनकी कला की बारीकियों में सुधार भी लगातार आ रहा था। कई सालों बाद 2002 में जब वेस्टइंडीज के खिलाफ अनिल कुंबले ने टूटे हुए जबड़े के बावजूद बॉलिंग की और ब्रायन लारा को आउट किया तो किसी को याद भी नहीं था कि ये वही अनिल कुंबले था जिसके स्वभाव के बारे में शुरुआत में प्रश्न उठे थे। वो एक मजबूत इरादे वाले आक्रामक गेंदबाज के रूप में निखर के आए। अनिल कुंबले ने 90 के दशक में भारत की स्पिन बॉलिंग परंपरा जारी रखी। टेस्ट और ओडीआईज में कई शानदार प्रदर्शन देते हुए भारत को मैच जिताए। उन्होंने दिल्ली में पाकिस्तान के विरुद्ध 10 की 10 विकेट उड़ाकर न केवल भारत को जीत दिलाई पर भारतीय रिकॉर्ड कायम किया। अनिल कुंबले फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल, और उस पेस पे बॉल कर रहे हैं जहां पे गलती की गुंजाइश ही नहीं है, उसके बावजूद ही इज अ मैच विनर ईयर आफ्टर ईयर फॉर यू। प्लेयर्स, बैट्समैन काफी सोचते नहीं थे ये पेस आ रहा है या स्पिन आ रहा है, टर्निंग कम होते थे, पर जब टर्न करता था तब भी उनको विकेट मिलता था, जब टर्न नहीं करता तब भी उनको विकेट मिलता था। वेरी मैच्योर्ड, वेरी सेंसिबल, वेरी इंटेलिजेंट, जो उसको जो करना है वो करता है। उसको इसकी लिमिटेशंस मालूम थी कि वो ज़्यादा टर्न नहीं करता है, वो ज़्यादा स्पिन नहीं करता है, उसकी क्या एक्यूरेसी। मैं मानता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के क्रिकेट का कोई सुनहरा युग था वो मेरे ख्याल से लगभग 1996 से लेकर 2011 तक। हम हमेशा इन 15 सालों में बैट्समैन की दाद देते हैं पर हम ये भूल जाते हैं कि इस टीम का सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर अनिल कुंबले थे। अनिल कुंबले ने इन 15 सालों में जितना योगदान दिया हिंदुस्तान की कामयाबी में किसी और प्लेयर ने नहीं दिया। ऑफ द फील्ड कुंबले का जो पर्सनालिटी था इट वॉज एंटायरली डिफरेंट। इंडियन क्रिकेट में उनका काफ़ी मतलब स्टूडियस थे, इंजीनियर तो थे ही, जूनियर्स रेस्पेक्ट करते थे, सीनियर्स भी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। किसी को भी हर्ट नहीं करेगा और आर्ग्यूमेंट भी करेगा सॉफ्ट टोन में। His head was firmly on his shoulders. And a lovely man to know.
फील्ड से बाहर अनिल कुंबले ने एक मैच्योर और बढ़िया स्वभाव का प्रदर्शन करते हुए सभी टीममेट्स का सम्मान जीता। नए युवा स्पिनर्स का उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया और एक सीनियर होने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इन्हीं यंग स्पिनर्स में से एक थे हरभजन सिंह, जिनको भी कुंबले ने काफी हद तक मेंटर किया और नई शताब्दी में ये भी मैच विनर साबित होने वाले थे। दोस्तों, लेट 90s में एक और वर्ल्ड क्लास स्पिनर का भारतीय क्रिकेट के मंच पर आगमन हुआ। ये थे हरभजन सिंह। इन्हें प्यार से सब भज्जी कह के पुकारते थे और उनके आने के साथ साथ कुंबले और भज्जी बने भारत के नए स्पिन ट्विन्स और आने वाले समय में इन्होंने भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई सुनहरे पन्ने जोड़े। हालांकि कुंबले और भज्जी के बीच बहुत सी असमानताएं थीं। अनिल कुंबले की तरह हरभजन भी एक मैच विनर थे और कुंबले की तरह ही करियर की शुरुआत में उनके टेम्परमेंट और स्वभाव पर सवाल उठे थे। शुरू से ही उनका फायर इन द बेली तो था ही, लेकिन वो फायर जो है उनका पर्सनालिटी में भी ट्रांसफॉर्म हो गया था। बहुत लड़ाई झगड़े करते थे, रेबल थे, ब्रैश थे। लेकिन ये जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते, जो परफॉर्मर्स होते, उनको ऑफ द फील्ड हैंडल करना बहुत जरूरी है। हरभजन को गांगुली ने अच्छा हैंडल किया एज ए कैप्टन और कुंबले। मार्च 2001 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में शायद सबसे हावी टीम स्टीव वॉ के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया भारत आई। ये टीम लगातार 15 टेस्ट जीत चुकी थी और फिर 16वां भी जीता मुंबई में भारत को हराकर, और बहुत ही बुरी तरह से हराकर। 5 दिन के टेस्ट को 3 दिन में ही खत्म कर दिया था। अनिल कुंबले इस सीरीज से पहले ही इंजर्ड थे और श्रृंखला में भाग नहीं ले रहे थे। ना ही भारतीय टीम को बल्कि सारे भारतवासियों को लगा कि ये सीरीज तो गई, हम इस टीम का मुकाबला करने लायक शायद नहीं है। मायूस सी भारतीय टीम पहुंची दूसरा टेस्ट खेलने कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन्स के मैदान पर। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बनाए और भारत अपनी पहली पारी में 171 रन ही बना पाया और हमें फॉलो ऑन करना पड़ा। जैसे पहला 2-2.5 दिन टेस्ट मैच के लग रहा था कोई चांस ही नहीं है, और वो 3 टेस्ट मैच सीरीज था, सो इफ वी हैड लॉस्ट दैट टेस्ट मैच हमारे लिए सीरीज खत्म था। इंडियन टीम की हालत ख़राब थी, तीसरे दिन फॉलो ऑन हो चुका था और कुछ काम नहीं कर रहा था। दूसरी पारी में लक्ष्मण और द्रविड़ ने शानदार बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत भारत ने 657 रन का विशाल टोटल खड़ा किया। सबसे ज़्यादा बातचीत तो इस पार्टनरशिप की होती है राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण की। रोल उस पार्टनरशिप का बहुत अहम था, क्योंकि फॉलो ऑन करते हुए आप इस तरह से बचा पाए, रन स्कोरबोर्ड पर डाले। तब लग रहा था कि टेस्ट मैच शायद बच गया, ये नहीं लग रहा था कि जीतेंगे। फिर उसके बाद द अल्टीमेट वाज ऑन द 5th डे, जब हरभजन सिंह ने 6 विकेट लेके मैच जिताया हमें। कोलकाता में हैट्रिक समेत हरभजन ने 13 विकेट लेकर मैच जिताया। अगर कोई सपना साकार होता है, वही देखने को मिला था ईडन गार्डन्स के टेस्ट मैच के अंदर। अगला मैच था चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में। वहां पर भज्जी ने फिर से अपना जादू रचा और 15 विकेट लेकर हमें फिर से विजय दिलाई। एक इनविंसिबल ऑस्ट्रेलियन टीम को ना सिर्फ रोका, बल्कि सीरीज की मात दी, और वो फाइनल फ्रंटियर जो कॉन्कर करने आई थी ऑस्ट्रेलियन टीम, वो कॉन्कर कर नहीं पाई। वो जो 3 टेस्ट थे हमने इसलिए जीते क्योंकि हरभजन सिंह ने 30 विकेट ली। एक बैड बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट जिस तरह से हीरो बने उस सीरीज में, वो एक उस सीरीज का हाई पॉइंट था। इसके बाद भी बहुत अच्छी विक्ट्रीज हुई है, लेकिन उससे जो सेल्फ बिलीफ इंडियन क्रिकेटर में और इंडियन फैन में बढ़ी, उससे बहुत फर्क पड़ा। हरभजन सिंह ने भी अनिल कुंबले की तरह स्पिन बॉलिंग से शुरुआत की और कुछ सालों बाद बैटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया। पहला वो एग्रेसिव था, अभी वो कनिंग है, ऐसा नाच विकेट लेने के बाद भांगड़ा नहीं करता है। ये जैसे कि इसको मैं कैसा फंसाया, लाइन कैसा चेंज करने का, क्रीज कैसा यूज करने का, ब्यूटीफुल बॉलर। पालवंकर बलू से लेकर
कुंबले और भज्जी तक का सफर इन 100 सालों में एक तरह से पूरे भारत का सफर जैसा है। विश्व स्तर पर हर क्षेत्र में हम अब प्रतिष्ठित हैं। ये निश्चित है कि वर्ल्ड क्लास बोलिंग में भारतीय स्पिनर्स का नाम उच्च कोटि में शामिल होता है और इसका श्रेय जाता है इन सभी महान गेंदबाजों को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारी स्पिन बोलिंग को इतने ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। अब मुझे इजाजत दीजिए, भारतीय क्रिकेट और इससे जुड़े खिलाड़ियों के किस्से और कहानियां लेकर फिर हाजिर होऊंगा मिड विकेट टेल्स की अगली इनिंग्स में। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.